कि हमें कैसे कलेक्शन मिलता है और क्या क्या यहाँ पे मिलता है आफ्टर लॉकडाउन। मार्केट में एंटर करते ही गेट नंबर 1 से लेफ्ट हैंड साइड में आपको भैया की शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 10 रुपीज़ में कीचेन मिलने वाला है। जब आप लोग मार्केट में आओगे पुलिस चौकी वाली साइड से जब आप लोग एंटर करोगे ना, तो वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको भैया की शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 10 रुपीज़ में इतनी सारी वैरायटी की कीचेन मिलने वाले हैं। इनके पास डोरेमोन, जेरी, स्माइली सारी वैरायटी की कीचेन है। प्लस जब आप इन्हें यूज़ करोगे ना, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। इन्हीं बैग के पास आपको 15 रुपीज़ में ना नेल पेंट्स भी मिल जाएंगी, और ये नेल पेंट जो थी ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा वैरायटी वाली थी। मतलब आपको यहाँ पे सारे सुपर ट्रेंडी कलर्स मिलने वाले हैं इन जस्ट रुपीज़ 15। इन्हीं के बाद आपको 30 रुपीज़ में ईयरिंग्स मिल जाएंगे। पूरी मार्केट में ना इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ ईयरिंग्स मैंने तो इस बार कहीं नहीं देखे, क्योंकि इतने ज़्यादा किसी के पास थे ही नहीं पूरी मार्केट में। प्लस बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में भैया आपको दे रहे थे। इसमें ना हुप ईयरिंग्स भी थे, ऐसे झुमकास भी अवेलेबल थे जो कि सिल्वर चंक में थे, जो आप नॉर्मल कुर्ती में वेयर करोगे ना तो बहुत क्लासी लगेगा। प्लस ये वाला ईयरिंग जो थे ना, इतने ज़्यादा हैवी, अगर आप मार्केट में भी लोगे ना तो आपको 50 रुपीज़ में पड़ेंगे, पर भैया सिर्फ 30 रुपीज़ में दे रहे थे। तो चाहे आप नीचे वाली ईयरिंग्स ले लो, या फिर भैया ने जो ऊपर रिंग में डिस्प्ले में लगा रखी है वो वाली ईयरिंग्स ले लो, सब कुछ यहाँ पे 30 रुपीज़ का था और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में था। प्लस इनकी क्वालिटी जो थी ना, वो भी A1 क्वालिटी थी। इन्हीं बैग के पास आपको ना 10 रुपीज़ में स्क्रंचीज़ भी मिल जाएंगी, और स्क्रंचीज़ की भी इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी, जिसमें आपको साटन वाली, वेलवेट वाली और ये फर वाली सारी स्क्रंचीज़ मिल जाएगी। इन्हीं बैग के जस्ट साइड में आपको 50 रुपीज़ में बैंगल्स मिल जाएंगे। जो डिस्प्ले में आप लोग नेक पीसेस देख रहे हैं, आपको 200 रुपीज़ में मिलने वाले हैं सरोजनी नगर में। और जो ये बॉक्स के अंदर आप लोग देख रहे हैं ना, 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इसके अंदर ना आपको दो पीस मिलने वाला है, जिसमें आपको एक नेक पीस होगा और एक ईयरिंग्स, मतलब एक पेयर ऑफ ईयरिंग्स भी मिल जाएगा। इन्हीं के पास आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे झुमकास, और इनके जो झुमकास हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अगर आप लोग एथनिक वेयर के उस बिहाफ पे ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो आप लोग ये भी एक बार ले सकते हैं। भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और काफ़ी अच्छे थे। इन्हीं के जस्ट बगल में आपको 50 रुपीज़ में ना स्वेटर मिलने वाले हैं, तो इसमें ना आपको छांटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ गंदे भी हो रखे थे और कुछ यूज्ड भी लग रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ना उतना अच्छा नहीं लगा, तो आप लोग स्किप करना, क्योंकि उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पर हाँ, अगर आप लोग छांटने में एक्सपर्ट हो कि हाँ आप लोग बहुत सारा बल्क में से निकाल सकते हो कुछ अच्छा प्रोडक्ट, तो आप लोग डेफिनेटली वह चेकआउट कर लेना। पर यहाँ पर वैराइटीज़ तो थी, पर उतने ज़्यादा मुझे यहाँ की ना तो क्वालिटी अच्छी लगी, क्योंकि सारे के सारे पीस ना मुझे ऐसे ही लगे। इन्हीं के जस्ट बगल में आपको 100 रुपीज़ में कुर्ती मिलने वाली है। यहाँ पे ना कॉटन की कुर्ती मिल रही थी, ये विंटर्स के टाइम पे भी आपको मिल जाएंगी। तो ये कॉटन की कुर्ती थी, तो ये आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगी। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, लाइक मस्टर्ड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर आपको पसंद हो ना आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हो। बट वही है कि ये ना आपको छांटनी पड़ेंगी, और उतनी ज़्यादा ना भी अच्छी लग रही थी। इन्हीं ये मतलब ना गेट नंबर 1 से जब आप एंटर करोगे तो ये व्यू है कुछ, और इन्हीं के जस्ट आप देख रहे थे 200 रुपीज़ में ना यहाँ पे आपको डेनिम भी मिल जाएगी। 200 रुपीज़ में आपको सारी वैरायटी ऑफ डेनिम थी, चाहे वो रिप डेनिम ले लो आप, या नॉर्मल बेसिक डेनिम जो हमेशा चलती है वो ले लो, तो यहाँ पे आपको सब कुछ 200 रुपीज़ में मिलने वाला है। इन्हीं के जस्ट सामने ना 100 रुपीज़ में आपको स्वेटर मिल जाएंगे, और यहाँ पर ना टर्टल नेक स्वेटर भी अवेलेबल थे, हाई नेक भी थे, और वो निटेड वाले स्वेटर्स होते हैं ना, वो भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इन भैया के पास ना पूरी शॉप में आप कुछ भी ले लो, सब 100 रुपीज़ का था, चाहे वो भैया ने नीचे डिस्प्ले में लगा रखा हो, चाहे ऊपर लगा रखा हो, कुछ भी आप ले लो, 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। सरोजनी में ना अभी जो प्राइस चल रहा है बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, बहुत कम रेट में, बहुत रीजनेबल रेट में ये सब 100 रुपीज़ का है। और इन्हीं के शॉप के जस्ट बगल में 500 रुपीज़ में आपको कॉर्डसेट्स मिल जाएंगे। उन्हीं शॉप के जस्ट नीचे 150 रुपीज़ में आपको हैंडबैग्स मिल जाएंगे। हैंडबैग्स की भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इन जस्ट रुपीज़ 150 काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में पड़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सरोजनी में ना सब ने अपने अपने रेट बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, रीज़न भी इनकी शायद उनकी अभी तक वो कोरोना की वाला जो लॉकडाउन लगा था ना, ओमिक्रॉन वाला, उस वजह से। तो यहाँ पर ये एंट्रेंस ऑफ गेट नंबर 1 है, तो देख सकते हैं सारी पटरी जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट कर गई है, पूरा खाली खाली हो गया है। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ में स्वेटर मिल जाएंगे, और ये स्वेटर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, तो आप लोग डेफिनेटली इन्हें भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 250 रुपीज़ में टॉप, यहाँ पे आप कोई भी टॉप लो, सब 250 रुपीज़ में थे, शॉप के अंदर था। और यहाँ पे आपको 30-30 रुपीज़ में ईयरिंग्स मिल रहे थे, यहाँ पे सारे ज़्यादातर हुप ईयरिंग्स और सिल्वर चंक ईयरिंग्स थे, तो आप लोग डेफिनेटली ये भी चेकआउट कर सकते हैं। इस बार मुझे ना डिफरेंट वैरायटी ऑफ हुप मिला।
यहाँ पे आपको मिल रहे थे जस्ट उसी के सामने इयरिंग वाले भैया के सामने आपको 100 रुपीज़ में ना स्वेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे स्वेटर्स स्वेटशर्ट्स वगैरह थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे यहाँ पर भी। कुछ छाट के अगर ढूंढोगे ना तो कुछ तो अच्छे थे और कुछ बहुत बुरे थे, तो आप लोग ना एक बार अच्छे से चेक करके फिर ही लेना जो भी आइटम। आप स्वेटर वाले शॉप की ना भैया के साइड में आपको अमेरिकन ज्वेलरी मिल जाएगी। ये वाला मंगलसूत्र 175 का था, बट आप बार्गेनिंग करोगे तो भैया 100 का डेफिनेटली दे ही देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पटरी मार्केट है ना वो शॉप के अंदर शिफ्ट हो गई है, तो आपको बाहर तो कुछ भी कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सबके लिए आपको शॉप के अंदर विजिट करना ही पड़ेगा, वो आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको 150 रुपीज़ में ना बैंगल्स भी मिल रहे थे, और बैंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। प्लस उन्हीं के जस्ट शॉप के सामने आपको ना यहाँ पे एक भैया मिल जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने एक ऐसे बड़ी सी बास्केट लगा रखी थी, और उसके अंदर वो सारा का सारा स्टफ जो भी था, चाहे वो ब्यूटी ब्लेंडर हो या कुछ भी स्टफ हो, चाहे आईब्रो पेंसिल हो, वो सब आपको 20 रुपीज़ में दे रहे थे। यहाँ पे आपको आईब्रो पेंसिल हो, ब्यूटी ब्लेंडर हो, और काजल, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ 20-20 रुपीज़ में मिलने वाला है। यहाँ पे मिल रही थी 30 रुपीज़ में इयरिंग्स, तो भैया के पास ना सिल्वर चंक इयरिंग्स का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था। इन्हीं भैया के पास ना आपको झुमके भी मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वो भी डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटरी जो है वो मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपको शॉप के अंदर शिफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्वेटर इन जस्ट ₹100। और पता है पूरी मार्केट में ना मुझे इन भैया के स्वेटर्स ना बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि स्वेटर्स जो थे ना बिल्कुल न्यू थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेराइटी के थे, बिल्कुल भी पुराने नहीं लग रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर कलर थे, काफ़ी ब्राइट कलर्स थे। जैसे भी आपको प्रेफरेंस चाहिए ना आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। तो पूरी मार्केट में ना सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे इनका कलेक्शन लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। ये वाला पीस देखो जो पर्पल कलर की शेड में, और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ना, जब आप इसे पहनोगे तो कितना ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो आप लोग ने डेफिनेटली इनकी शॉप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी कलेक्शन था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में दिला था, जस्ट ₹100। तो जब आप मार्केट में जैसे घूम रहे होगे ना, तो यहाँ पे आपको इस तरीके के भैया मिल जाएंगे जो ऐसे हैंगर में ना ऐसे सामान लेके घूमते हैं। तो यहाँ पे ये भैया दे रहे थे ना चोकर नेकलेस जो था वो 100 रुपीज़ में दे रहे थे, और जो ये पेंडेंट वाला नेक पीस था ना ये भैया 40-50 रुपीज़ के आसपास का दे रहे थे। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में स्वेटर मिलने वाला है, मतलब ये हाई नेक वाला स्वेटर है। पूरी मार्केट में ना आपको स्वेटर्स हो जाए, चाहे वो स्वेटशर्ट्स हो, कुछ भी हो ना, वो आपको 100 रुपीज़ में ही मिलने वाला है। अब तो पता है आपको शॉप्स के अंदर तक भी ना लोगों ने 100-100 रुपीज़ की सेल लगा रखी है। मार्केट के अंदर ना ये वाला टाइम जाने का बिल्कुल बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ 100 रुपीज़ में मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है, सब लोग मतलब जितने भी हैं ना, चाहे वो शॉप के अंदर की बात करें, तो सब 100 में ही बेच रहे हैं। 200 का तो मैंने मुश्किल से ही कोई देखा होगा कि वहाँ कोई है भी 200 का स्वेटर। तो यहाँ पे जो स्वेटर्स मेन वाले थे ना वो 200 के थे, वो 100 रुपीज़ आपको मुश्किल ही मिलेंगे, 200 के ही थे हर जगह। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे, काफ़ी ज़्यादा न्यू थे, इनमें टैग्स भी लगे हुए थे। इन्हीं भैया की ना शॉप के साइड में आपको ये शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको हैंडबैग्स मिल जाएंगे इन जस्ट ₹200। और ब्लैक वाला देखिए कितना एलिगेंट लग रहा है, कितना ज़्यादा प्रिटी है। अगेन आपको मार्केट में मिलने वाले 100 रुपीज़ में स्वेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी मार्केट में आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे इन जस्ट ₹100। चाहे आप लोग वो हुडीज़ वाले ले लें या नॉर्मल स्वेटर ले लें, सब कुछ 100 रुपीज़ में मिल रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, आप मार्केट विजिट कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट ईयर की विंटर की शॉपिंग अभी से कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है। मैंने सरोजनी में कभी कपड़े नहीं देखे, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये देख रही हूँ कि सब कुछ 100 रुपीज़ में मिल रहा है, पूरी मार्केट में 100 रुपीज़ में ही सामान मिल रहा है। यहाँ पे ना आपको साड़ीज़ मिल जाएंगी इन जस्ट ₹650, एंड डिज़ाइनर ब्लाउज मिल जाएंगे इन जस्ट ₹150। यहाँ पे ना ये भैया की जो शॉप थी, इन शॉप के अंदर सारा का सारा स्टफ 200 रुपीज़ का था। 200 रुपीज़ में कोई भी बैग यहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो बड़ा हैंड बैग हो या फिर छोटा या स्लिंग बैग, कुछ भी इन जस्ट ₹200 आप लोग ले सकते हैं। ये ब्लैक वाला ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतने रीज़नेबल प्राइस में सरोजनी में बैग्स और स्वेटर्स वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पर भैया की जो पहले वाले भैया की शॉप थी ना, जब 200 के मिल रहे थे, उन्हीं की शॉप के जस्ट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो 200 और 300 के बीच में हैंडबैग्स वगैरह दे रहे थे। यहाँ पे ना आप जब घूमने जाएंगे, मार्केट में घूम रहे होंगे, तो आपको 80-80 रुपीज़ में ऐसे नेक पीसेज मिल जाएंगे, 30 रुपीज़ में ऐसे इयरिंग्स मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ आंटीज वगैरह ना ऐसे लेके घूम रही होती है सिल्वर चैन की इयरिंग, तो आप इनसे बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे आपको मिल रहे थे 150 रुपीज़ में स्वेटर्स। अगेन जो इनके स्वेटर्स थे ना बिल्कुल न्यू थे, बहुत ज़्यादा अच्छे कलर और बहुत अच्छी वेराइटीज़ के थे। आप लोग यहाँ पे भी एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, जैसे भी आपको डिज़ाइन चाहिए आपको इजीली मिल जाएगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा बल्क में है तो आपको छांटना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना मार्केट जब भी आए बिल्कुल पेशेंस से आना, बहुत ज़्यादा रश तो नहीं बोलूँगी मैं, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बट अच्छे वेराइटी थे और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको सामान मिल रहा था। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 80 से 100 के बीच में वुलन की कैप्स। तो ये कैप्स ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आप वेयरिंग इन विंटर्स। यहाँ पे आपको ना 50-50 रुपीज़ में स्वेटर्स मिल रहे थे, और इनके पास भी ना स्वेटर बहुत अच्छे थे, चाहे वो सामने वाले ले लो जो भैया ने लगा रखे थे, ये वाले जो उसमें छाटे थे, 50-50 रुपीज़ में ही आपको मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे।
₹50 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो आप लोग डेफिनेटली इनकी शॉप भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन के पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना सारी की सारी पटरी जो है वो शॉप के अंदर मतलब इंसर्ट हो गई है, सब शॉप के अंदर चली गई है। तो अब सरोजनी ना बिल्कुल से खुला खुला सा लगता है। यहाँ पर ना ₹200 में वन पीस मिल रहा था और वन पीस भी ₹200 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा मतलब एरोगेंट लग रहा था। आप लोग डेफिनेटली इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाइट और रेड दो कलर मिल रहे थे और ₹200 में भैया दे रहे थे, 250 बोल रहे थे बट ना 200 में दे रहे थे। ये ना इंसेंस वाली लेन है और जिसको शायद एक्सपोर्ट वाला लेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा मतलब पटरी होती थी, आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोज़ में भी देखा होगा इतनी ज़्यादा पटरीज लगती थी, बट ना अब कोई भी पटरी नहीं थी, बिल्कुल खाली खाली था। सारी की सारी पटरी जो है वो ना दुकान के अंदर शिफ्ट कर दी थी, बट उतना रश भी नहीं था। यहाँ पे ना ₹100 में स्वेटर्स मिल रहे थे पूरी शॉप के अंदर। और ये जो ग्रेफिटी लेन है ना वो अभी भी नहीं लगी है, पूरी मार्केट तो लगी है बट ग्रेफिटी लेन नहीं लगी है अभी भी, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये अपडेट था, मैंने सोचा आपको दे दूँ। सो अगेन आपको यहाँ पे ना ₹100 में स्वेटर मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपने पूरी मार्केट में देखा कि ₹100 में स्वेटर मिल रहे हैं। अगर मैं रश की बात करूँ तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो गाइस दिस इज द वीडियो ऑफ सरोजनी नगर, होप आपको अच्छी लगी होगी। लॉकडाउन के बाद कुछ भी यहाँ वैसा पहले जैसा नहीं है, सारी की सारी जो पटरी वगैरह वो अंदर शिफ्ट हो गई है। सो होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।